नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज। खबर है, हरियाणा पुलिस में 16,500 नए पद की भर्तियां शुरू होंगी। प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जिसमें 7,500 कांस्टेबल एवं 463 सब इंस्पेक्टर के पद शामिल है। प्रदेश के जिलों के लिए 800 नई गाड़ियां खरीदने के लिए कमेटी बनाई गई है। जल्द ही खरीदारी शुरू होगी। फतेहाबाद जिले के थानों के लिए 22 गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी। शहर में रहेगी, शहर को नया रूप दिया जाएगा। वहीं पुलिस कर्मियों के व्यवहार को सुधारने के लिए जिले के हर थाने में काउंसिलर नियुक्त किया जाएगा। हरियाणा पुलिस में कर्मचारियों की कमी जल्द ही दूर हो जाएगी। इसी कड़ी में पुलिस के 16,500 विभिन्न पदों पर भर्तियां प्रक्रिया नवंबर माह से आरंभ हो जाएगी। पुलिस महानिदेशक बीएस संधू ने मंगलवार को फतेहाबाद की पुलिस लाइन परिसर में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के उद्घाटन उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लगभग 7,200 कांस्टेबल तथा 463 सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए नवम्बर व दिसंबर माह में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए 11 जिलों में 800 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2 शिफ्टों में परीक्षा होंगी। प्रदेश के थानों में वाहनों की कमी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में कुल 800 गाड़ियां खरीदने के लिए बनाई गई कमेटी की बैठक बुधवार 31 अक्टूबर को होगी, जिसके बाद खरीद प्रक्रिया आरंभ होगी। अकेले फतेहाबाद जिले के विभिन्न पुलिस थानों के लिए 22 गाड़ियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने जानकारी दी कि फतेहाबाद में शहर थाना का भवन जल्द ही बनवाया जाएगा। वर्तमान में स्थापित शहर पुलिस थाना के भवन को तोड़ने के उपरांत निर्माण कार्य आरंभ होने जा रहा है। पुलिस कर्मचारी का आमजन के साथ कठोर डीजीपी संधू ने कहा कि पुलिस कर्मियों के व्यवहार में सुधार तथा उनकी स्किल में वृद्धि करने के लिए सभी जिलों में एक एक काउंसिलर की नियुक्ति भी जल्द की जाएगी। गुरुग्राम में सुरक्षा कर्मी द्वारा जज परिजनों की हत्या के मामले में उन्होंने कहा कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क को ध्वस्त टास्क फोर्स तथा विभिन्न जिलों की पुलिस टीमें पूरी तरह से अलर्ट है। राजस्थान व अन्य प्रांतों के इंटरस्टेट कम्युनिकेशन स्थापित किया गया है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम सदस्य संपत नेहरा हैदराबाद से भी पकड़ा गया है। फतेहाबाद में इस गैंग के द्वारा फिरौती मांगे जाने की घटना पर बोलते हुए डीजीपी संधू ने कहा कि इस घटना के वेब कॉल का प्रयोग हुआ था और पुलिस को इस घटना में अहम लीड मिल चुकी है। 7,200 कांस्टेबल, उसमें करीब एसआई कितने सर? 400 मेल हैं और 63 फीमेल हैं। हर पुलिस स्टेशन में दो दो महिला सब इंस्पेक्टर लगा रहे हैं और 400 सब इंस्पेक्टर मेल। तो उसके बाद इतने ही 7,500 के करीब और भी इस भर्ती के बाद। ये भर्ती जो है जनवरी के महीने तक हमें उम्मीद है, इसके टेस्ट नवंबर और दिसंबर में शुरू होने वाले। दिवाली के बाद रिटर्न टेस्ट होगा और रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू अब है नहीं है, तो बड़ी ही ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट होगी। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, सारे जो करीब हमारे पास क्लास फोर के लिए 30 लाख एप्लीकेशन आई हुई है 18,000 पोस्ट के लिए, और जो हमारी 5,000 मेल है उसके लिए 5.25 लाख एप्लीकेशन आई हुई है, और 1.5 लाख के लिए करीब एप्लीकेशन जो है वो सब इंस्पेक्टर के लिए आई हुई है। तो उनका जो है टेस्ट जो है वो अब नवंबर से लेकर दिसंबर के महीने में लगातार हर सैटरडे संडे जो है 2 शिफ्टों में करीब 800 सेंटर्स में और 11 जिलों में टेस्ट होगा। तो और उसके बाद एक सिर्फ फिजिकल टेस्ट होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दौड़ है। तो इसलिए ये जो कमी है उसको जल्दी पूरा किया। एक बार रिपीट, कितने एप्लीकेशन आए? एप्लीकेशन 1.5 लाख सब इंस्पेक्टर के लिए और 5.25 लाख जो है 5,000 के लिए जो कांस्टेबल, और 21 लाख एप्लीकेशन है, 18,000 जो क्लास फोर है वो पूरी सरकार की है, उसमें पुलिस के भी क्लास फोर। सर, हर बार नशा तस्कर छोटे छोटे पकड़े जाते हैं, हर बार दिल्ली के नशा सप्लायरों का नाम आता है, लेकिन कभी भी वहाँ से कोई मुख्य सप्लायर कभी पकड़ा ही नहीं जाता। ऐसा है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दिल्ली वालों से शेयर की जाती है और दिल्ली वालों वो वहाँ से कार्रवाई लगातार जारी रहती है, लेकिन क्योंकि इसमें पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो छोटे तस्कर भी बड़े तस्कर भी पकड़े जाते हैं। नाइजीरियन को बल्कि पकड़ के लाए हैं। हाँ जी, अभी इस हिसार में कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी